अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खुश कैसे रहा जाता है। नाज़रीन, माहिरीन कहते हैं आपके आसपास के हालात पर आपका इख्तियार सिर्फ 10% होता है, लेकिन खुश रहने का 90% इख्तियार आपके अपने पास है। खुश रहना एक आर्ट है। इस आर्ट को सिखाने वाले माहिरीन चंद साइंसी तहकीकात पर साबितशुदा टिप्स बताते हैं। ज़रूरी नहीं सब आपके काम की हों, मगर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोई एक ज़रूर काम करेगी। नंबर एक, दिन में एक बार अपनी दस्तयाब नेमतें शुमार करके लिख लें। रात में 6 से 8 घंटे भरपूर नींद लें और दोपहर में 20 से 30 मिनट आराम ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम 3 बार घर के सब अफराद के साथ बैठकर खाना खाएं। घर के अंदर किचन गार्डन बनाएं, दिन का कुछ वक्त पौधों के साथ गुजारें। 5 से 7 मिनट हल्की वर्जिश कीजिए। दिन में किसी ना किसी की मदद जरूर करें। जरा सी उदासी आने पर वुजू कर लें, अपनी पसंद की खुशबू लगाएं। पानी ज्यादा पिएं, कम से कम 3 लीटर, जब उदास हों तो 2 गिलास पिएं। नो कंप्लेंट डे बनाएं, आज किसी से कोई शिकायत नहीं, फिर दिन बढ़ाते जाएं। नो कंप्लेंट वीक, नो कंप्लेंट मंथ, और यूं नो कंप्लेंट ईयर। नाज़रीन, घर में दफ्तर में जिद्दत तराजी की मुहिम चलाएं। हर रोज़ माहौल में कुछ तब्दीली की कोशिश करें। घर में मौजूद सामान की तरतीब बदलते रहा करें। खानदान, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों को फ़ोन करें, उनके दुख दर्द में हौसला दें और खुशियों पर खुलकर मुबारकबाद पेश करें। महीने में 2 बार दावत करें, कभी रिश्तेदारों को, कभी दोस्त अहबाब को, कभी अपने बच्चों के दोस्तों को दावत पर बुलाएं। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन याद कीजिए और ऐसा जिंदगी भर हर रोज किया कीजिए। छोटी से छोटी खुशी को याद करें, ये यादें आपको सारा दिन खुश रखेंगी। सदका दें, और सबसे आसान सदका मुस्कुराहट है। हल्की सी एक मुस्कुराहट तेज धूप में बादल के टुकड़े की तरह दिल को तरोताजा कर देती है। खुश रहें और खुशियां बांटें, और 5 नमाजें वक्त पर अदा करें। नाज़रीन, ये कुछ सादा सी टिप्स थीं जिन पे अमल करके हम खुश रह सकते हैं। क्रेसु आज के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो